नमस्कार दोस्तों, बिग बुल के ब्लॉकबस्टर होने के बाद अभिषेक बच्चन की चारों तरफ तारीफ हो रही है और उनकी एक्टिंग की हर तरफ चर्चा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अभिषेक बच्चन के फिल्मी करियर के शुरुआती चार वर्षों अर्थात 2000 से 2004 तक रिलीज हुई मुख्य फिल्में तथा उनके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इसके अगले पार्ट में आपको अभिषेक बच्चन की 2005 से 2010 तक की फिल्मों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अभिषेक बच्चन ने जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से सन 2000 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसमें उनकी अभिनेत्री करीना कपूर थी और उनकी भी ये डेब्यू फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म में अभिषेक के अभिनय की तारीफ तो खूब हुई परंतु फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। दोस्तों, इसी साल अभिषेक की दो और फिल्में तेरा जादू चल गया तथा डायरेक्टर प्रेम के भी रिलीज हुई, लेकिन दोनों ही असफल रही। दोस्तों, इसके बाद 2001 में अभिषेक की केवल एक फिल्म बस इतना सा ख्वाब है रिलीज हुई, परंतु ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सन 2002 की। तो 2002 में अनुपम खेर द्वारा निर्देशित ओम जे जगदीश अक्षय कुमार के साथ हाँ मैंने भी प्यार किया तथा शरारत फिल्म रिलीज हुई, परंतु तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हाँ दोस्तों, हाँ मैंने भी प्यार किया का म्यूजिक जरूर पसंद किया। दोस्तों, उसके बाद में 2003 के शुरू में सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित अभिषेक तथा ऋतिक रोशन की फिल्म में प्रेम की दीवानी हूँ रिलीज हुई। इस फिल्म से बहुत ज्यादा आशा थी परंतु ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। दोस्तों, उसके बाद आई मुंबई से आया मेरा दोस्त डिजास्टर रही तथा 2003 के अंत में ही आई अभिषेक ऐश्वर्य अभिनीत फिल्म कुछ ना कहो, जिसे रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया था, वो भी दर्शकों को पसंद नहीं आई तथा बिलो एवरेज रही। दोस्तों, उसके बाद इसी साल रोहित शेट्टी की अजय देवगन के साथ आई फिल्म जमीन सेमी हिट रही, जिससे अभिषेक के गिरते करियर को कुछ सहारा मिला। लेकिन 2003 में ही रिलीज सितारों की भीड़ से भरी एलओसी कारगिल भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। दोस्तों, अब बात करते हैं 2004 की। 2004 में अभिषेक की रिलीज हुई फिल्में रन, फिर मिलेंगे तथा राम गोपाल वर्मा की नाच नहीं चली तथा असफल हो गई। परंतु उसी साल मणिरत्नम की फिल्म युवा में ललन सिंह के किरदार में अभिषेक बच्चन ने रंग जमा दिया तथा सबका दिल जीत लिया तथा ये फिल्म हिट रही तथा अभिषेक को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद आई यश राज बैनर तले अपनी फिल्म धूम, जो सुपरहिट रही तथा इसमें जय दीक्षित नामक कॉप के रूप में अभिषेक बच्चन ने खूब तारीफें बटोरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आपको अभिषेक बच्चन की 2005 से 2010 तक की फिल्मों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।